हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक रुहेश। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे लावा 4G कनेक्ट M1। ये इंडिया का पहला फीचर्ड 4G वोल्टी फोन है जो लावा ने इंडिया में लॉन्च किया है। और आप इसको जो लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वो परचेस कर सकते हैं फॉर 3,600 रुपीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, अगर आपको ये फोन पसंद आता है तो आप ये फोन जाके जो वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस फोन की हाइलाइटिंग फीचर सिर्फ 4G वोल्टी सपोर्ट ही नहीं है, बल्कि आप इस फोन के अंदर एक प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस जो वो उठा सकते हैं। इस फोन में आपको एक कस्टम रॉम मिलता है जो कि मोको ड्रॉइड नंबर 6 पे चलता है, जो कि एक एंड्रॉयड वर्जन ही है अगर मैं इन अदर वर्ड्स कहूँ, जहाँ पे आप अपने सारे एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को इस फीचर फोन में जो वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपने दूसरे एंड्रॉयड के मोबाइल से इस फोन के अंदर जो वो APK फाइल्स को ब्लूटूथ के जरिए जो वो सेंड कर सकते हैं, या फिर इनका खुद का डेडिकेटेड ब्राउजर है, आप वहाँ पे जाके गूगल के अंदर उस एप्लीकेशन को जो आपको चाहिए APK आप सर्च कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट इसके अंदर जो इंस्टॉल करके एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तरह जो यूज़ कर सकते हैं। पेटीएम एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए जिसे हम एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर भी जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें इसका बॉक्स इस तरीके का कुछ मिलता है। और यहाँ पे अगर इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, आपको 2.4 इंच के अंदर जो वो QVG की डिस्प्ले मिलती है, आपको वायरलेस FM सपोर्ट मिलता है, आपको 1750mAh की बैटरी मिलती है जो एक फीचर फोन के लिए मेरे हिसाब से सही है, आपको VGA कैमरा मिलता है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का कैमरा है, आपको डुअल सिम सपोर्ट होता है, एक जो वो 4G सपोर्ट होता है जिससे आप कोई भी 4G के सिम कार्ड डाल के उसको डेटा भी यूज कर सकते हैं और कॉलिंग भी कर सकते हैं। साथ में आपको सेकंड सिम जो वो 2G का स्लॉट मिलता है। आपको यहाँ पे 4GB की इसके अंदर जो वो इंटरनल स्टोरेज मिलती है जो कि अच्छी बात है, और साथ में आप माइक्रो SD कार्ड लगा के इसके अंदर 32GB तक का जो एक्सपांड भी कर सकते हैं। 512MB की आपको जो रैम मिलती है मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। USB और ब्लूटूथ टेथरिंग सपोर्ट भी आपको इसके अंदर जो वो मिल जाता है। फटाफट से यहाँ पे हम जो वो अनबॉक्स कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे आप सबसे पहले चीज देखेंगे तो हमारे सामने हमारा फोन आ जाता है। और यहाँ पे फोन की डिजाइन की बात करते तो आपको एक ब्लैक कलर की बॉडी मिलती है और साथ में आपको एक रेड कलर की रिंग मिलती है जो इस तरीके की इस फोन को जो वो सराउंड की गई है। और बाकी आपको इस तरीके का एक फोन मिलता है जिसके कीपैड भी काफी टेक्टाइल और स्टर्डी फील होता है, और कीपैड भी यहाँ पे आपको जो वो बैकलिट मिलता है तो आप नाइट में भी इसको आसानी से जो वो यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फोन साइड में रखते हैं तो रिमेनिंग कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ईयरफोन्स मिलता है। आप इसको जो एक या फिर आप अपने दूसरे एंड्रॉइड फोन्स के भी ईयरफोन्स जो वो यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर चार्जर की बात करते तो आपको एक नॉर्मल माइक्रो USB चार्जर मिलता है। आप दूसरे चार्जर भी अगर आपको चाहिए तो आप लगा के इसको जो वो यूज कर सकते हैं। और फाइनली आपको यूजर मैनुअल्स मिलता है, आप अगर इसको रीड करेंगे तो जो भी डाउट्स है इस फोन से रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स यहाँ पे जो वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम जो है वो फोन को बूट कर लेते हैं और सबसे पहले आप लोगों को बता रहे तो इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल और इजी है। आपको एक नॉर्मल सा होम स्क्रीन मिलता है जैसे कि दूसरे फीचर्स फोन में देखने को मिलता है, और काफी सिंपल वे में आप इसको जो यूज कर सकते हैं। आपको उसके लिए एडवांस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसके अंदर जो वो फेसबुक भी जो वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, आप अपने फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरा कोई एप्लीकेशन भी यूज करना, आप डायरेक्टली APK फाइल्स उसको जो वो यूज कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनका खुद का फाइल मैनेजर मिलता है, खुद की गैलरी की एप्लीकेशन मिलती है। और यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में जाके देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनका खुद का जो मोको ड्रॉइड 6.0 का इसके ऊपर जो कस्टम रॉम है जो कि एंड्रॉइड पे चढ़ रहा है, आपको उसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस जो देखने को मिल जाता है। तो काफी अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर एक एंड्रॉइड फील होता है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम कुछ ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, इसकी स्पीड की टेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलता है ब्राउजर का, उसको जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ तो आपको ये ब्राउजर के अंदर लेके जाता है। और यहाँ पे आप जो 4G का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई क्वालिटी स्पीड जो 4G यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना है या आपको अपने फेसबुक को सर्फ करना है, आप यहाँ पे जाके आसानी से जो वो कर सकते हैं। साथ में 4G वोल्टी कॉल भी कर सकते हैं, आपको अगर कोई भी सिम कार्ड डालना है तो आप डायरेक्टली डायलर में जाके जो वो कॉलिंग वगैरह भी जो वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो फोन है एक अच्छा खासा फीचर्ड फोन मिलता है। आप एक स्मार्टफोन से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो फीचर फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो फीचर फोन की क्वालिटी अलग होती है। तो ये पहला फोन फिलहाल के लिए इंडिया में बन जाता है जो हमें 4G वोल्टी सपोर्ट देता है और सारे एडिशनल फीचर्स भी हमें जो देखने को इसके अंदर एक्स्ट्रा जो वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बस दोस्तों इस वीडियो में एक छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों को इस फोन का दे दिया हूँ। एक फीचर फोन है जो लावा ने इंडिया में लॉन्च कर दिया, लावा ने काफी अच्छा स्टेप लिया है एटलीस्ट। और यहाँ पे अगर आपको ये फोन परचेस करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके ये फोन को जो वो परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो जो फीचर में लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।